थाईलैंड के युवा आर्टिस्ट ओंग डेम सोरा दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यकीन मानिए, इनके खबरों में आने की वजह उनका टैटू आर्ट बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सोरात की 8 पत्नियां हैं और वे इनके साथ में एक ही घर में रहते हैं। पिछले हफ्ते थाईलैंड में एक कॉमेडी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, इसके बाद में लोग उनके बारे में इंटरनेट पर जम के सर्च करने लगे। फिलहाल सोरात और उनकी 8 बीवियां हर रोज कोई ना कोई फोटो सेशन आ ही जाते हैं, फोटो सेशन करवा ही लेते हैं। इनकी काफी हैप्पी फैमिली है। सोरात के बारे में बहुत सी जानकारियां ओडीटी सेंट्रल वेबसाइट ने दी हैं। इसके मुताबिक सोरात थाईलैंड के ट्रेडिशनल टैटू आर्ट यंत्रा के मास्टर हैं। उन्होंने थाई कॉमेडी टीवी चैनल को 8 बीवियों के साथ इंटरव्यू दिया था। कहा कि हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे पूरे मजे के साथ में रहते हैं। इस शो में सोरात ने बताया कि हर बीवी की अपनी खूबी है। उनसे ये भी खुलासा किया कि किस लड़की से कब और कैसे मिला और फिर शादी कैसे हुई। उन्होंने ये भी बताया कि इन 8 महिलाओं से पहली नजर में ही इनसे प्यार हो गया था। इन महिलाओं ने सोरात को दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष करार दिया है। सोरात के मुताबिक पहली पत्नी का नाम नोंग स्प्राइट है, उससे मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। दूसरी का नाम नोंग एल है, उससे बाजार में मुलाकात हुई थी। तीसरी पत्नी का नाम नोंग नैन है, उससे एक हॉस्पिटल में आंखें चार हुई थी। चौथी और पांचवी और छठी बीवी से संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ। सातवीं बीवी से मुलाकात मंदिर के दर्शन के दौरान हुई। दिलचस्प किस्सा तो 8वीं पत्नी से मुलाकात का है, तो सोरात की जबानी ही जान लेते हैं। वो बताते हैं कि मैं अपनी 4 पत्नियों को साथ लेकर पटाया में छुट्टियों का मजा ले रहा था। वहां नोंग नील मिल गई और उसने भी हम सफर बनने का फैसला कर लिया। बाकी पत्नियों को भी कोई एतराज नहीं था। सोरात के घर में 8 पत्नियों के अलावा एक बच्चा भी है। इस बच्चे की मां सोरात की पहली पत्नी है। वैसे घर में और भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। सोरात बताते हैं कि उनकी 2 पत्नियां प्रेग्नेंट हैं। घर में 4 बेडरूम है, हर बेडरूम में 2 महिलाएं रहती हैं। सभी का कहना है कि उन्हें साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और उनके बीच कभी किसी बात को लेकर झगड़ा आज तक नहीं हुआ। सोरात की पहली पत्नी कहती है कि उन्होंने ही पति को दूसरी शादी करने की मंजूरी दी थी। बाकी 7 महिलाओं का कहना है कि हम जानते हैं कि सोरात पहले ही शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनसे प्यार हो गया। हमने खुशी खुशी ये जिंदगी कबूल की। वे सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे परिवारों ने सबसे पहले विरोध किया, लेकिन बाद में वो मान गए। सोरात कहते हैं, मैंने सभी बीवियों से कह दिया है कि अगर भविष्य में उन्हें किसी और शख्स से प्यार हो जाए तो वो बेझिझक मुझे बता दें। मैं उनसे 3 बार पूछूंगा कि क्या वो मुझे छोड़ना चाहती हैं। अगर उनका जवाब हाँ हुआ तो मैं उन्हें खुशी खुशी जाने की मंजूरी दे दूंगा। ओम डेन सोरात कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं, जैसे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं और इसीलिए 8 बीवियों का खर्च उठा पाता हूं। आप यकीन मानिए, ये सब गलत बातें हैं। मैं अमीर नहीं हूं। हम सभी काम करते हैं और अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक पैसा कमा लेते हैं। सोशल मीडिया पर सोरात के बारे में कई नज़रिए सामने आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उसका और महिलाओं का साथ रहने का फैसला बिल्कुल निजी है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो इसे गलत मानता है। बहरहाल सोरात और उनकी 8 पत्नियां खुश हैं और जब मियां और बीवियां राजी तो फिर क्या करेगा जी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।